सालों में कांग्रेस सरकार द्वारा, पांच सालों में कांग्रेस सरकार द्वारा नदौन विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या ऐसे काम किए गए, युवाओं के लिए, अस्पतालों के लिए, सड़कों में, हर एक चीज का आज हम नदौन की जनता से पूछेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूंगा, नमस्कार आपको, आपका शुभ नाम जी? संदीप। संदीप जी, क्या आप बताएंगे लोगों को कि इन पांच सालों में कांग्रेस सरकार द्वारा नदौन विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या ऐसे काम किए गए और क्या क्या ऐसे काम रह गए हैं? देखिए जी, कांग्रेस को पांच साल पूरे होने को आ गए हैं और लगभग मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश की बात की जाए तो विकास के नाम पर तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। और जैसे आप बेरोजगारी भत्ता के ले लीजिए, चार साल बाद, साढ़े चार साल बाद उनको याद आई कि बेरोजगारी भत्ता भी देना है युवाओं को। और उसके बाद हम बात करते हैं नदौन की, तो नदौन में जैसे अस्पताल का भवन था वो सालों से लटका पड़ा हुआ है, मरीजों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद बात करता हूँ मैं जी स्पाइस पार्क की। बोलते थे स्पाइस पार्क लेके आएंगे, स्पाइस पार्क लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए भी आज तक जगह नहीं दे पाई है प्रदेश सरकार। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपना मिनी सचिवालय पे, वहाँ पे भी काम नहीं हुआ। अब जब इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं तो सरकार ने दो महीने पहले काम शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी तक तो प्रदेश सरकार ने हमारे साथ क्या, जनता के साथ धोखा ही किया। और मेरे हिसाब से ये सरकार अब बड़े दिन नहीं चलेगी और आने वाला युवा सब जानता है कि किसको बनाना है। जैसे केंद्र में मोदी जी की सरकार है और उनके नेतृत्व में यहाँ भाजपा अच्छा काम कर रही है और यहाँ के जो विधायक हैं विजय अग्निहोत्री जी वो भी काफ़ी अच्छे हैं और हमारी जनता के बीच में पाँच साल वो रहे हैं। चलो, बाकी सरकार प्रदेश में कांग्रेस की थी, उन्होंने काम अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे किए हैं, जैसे गाँव में सड़कें भेजी हैं, जो भी काम था उनके लिए उन्होंने किया, घर घर बिजली पहुँचाने का काम किया, हर जगह अच्छा काम किया उन्होंने। और हम अपने विधायक विजय अग्निहोत्री जी की इन कामों के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हमारा वोट जो है वो बीजेपी की तरफ होगा जी। ठीक है जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा भाई साहब, आपका नाम जी? मेरा नाम तरुण कपिल है। भाई साहब, जैसे संदीप जी ने कहा कि नदौन विधानसभा क्षेत्र से जो विजय अग्निहोत्री जी थे उन्होंने काफी प्रयास किए काम करवाने के, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा ऐसा क्या रह गया है अभी भी नदौन विधानसभा क्षेत्र में करवाने के? नदौन विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले तो प्रदेश की बात करें, जैसे शांता कुमार जी को पानी वाला मुख्यमंत्री कहा जाता था, धूमल जी को सड़कों वाला मुख्यमंत्री कहा जाता था और वीरभद्र जी को खाने वाले मुख्यमंत्री कह सकते, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, क्योंकि नदौन विधानसभा क्षेत्र में सुखविंदर सिंह सुक्कू और वीरभद्र की आपस में नहीं बनने के कारण नदौन की डेवलपमेंट को ग्रहण लग गया है और सारा ठीकरा नदौन की जनता के ऊपर फोड़ा जा रहा है। नदौन की जनता ने निर्णय ठीक किया, विजय अग्निहोत्री को विधायक बनाकर काम कर रहे हैं, परंतु वीरभद्र और सुखविंदर सिंह सुक्कू की आपसी लड़ाई के कारण नदौन के जो डेवलपमेंट के काम है वो बंद हो गए हैं। पिछले पाँच साल पहले मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने 5 करोड़ रुपये नदौन हॉस्पिटल के लिए दिए, मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने 7 करोड़ रुपया नगर पंचायत में सीवरेज व्यवस्था के लिए दिए, जो कि आज बिल्कुल सफ़ेद हाथी बनकर खड़ा है नगर पंचायत की जो सीवरेज व्यवस्था है। नदौन हॉस्पिटल जो कि एक केंद्र चार विधानसभाओं का केंद्र स्थान है, चार विधानसभाओं के लोग नदौन हॉस्पिटल में आते हैं, वो एक सफ़ेद हाथी बनकर खड़ा हुआ है, सिर्फ बिल्डिंग खड़ी है, बाकी विजय अग्निहोत्री लोगों के बीच रहते हैं, काम करते हैं, जब मर्जी उनको पुकारें जब लोगों के बीच आते हैं, परंतु सुखविंदर सिंह सुक्कू वीरभद्र की लड़ाई के कारण नदौन का विकास ठप हो गया। देखिए, आप सुखविंदर सिंह सुक्कू जी की बात कर रहे हैं, पांच साल वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, जब चुनाव वो हारे थे यहाँ पर, तो उसके बाद वो पांच साल प्रदेश में अध्यक्ष रहे, तो ऐसा क्या सुखविंदर सिंह सुक्कू जी के द्वारा नदौन के लिए किया गया? सुखविंदर सिंह सुक्कू आते हैं, नदौन की जनता के साथ नहीं मिलते हैं, नदौन के शहर में नहीं मिलते हैं, गाँव में नहीं मिलते, नदौन गलोर तक नदौन का एरिया है वहां तक नहीं मिलते हैं, परंतु वो सिर्फ सेरा रेस्ट हाउस में बैठकर करते हैं जी। देखिए, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, परंतु आप एक बात क्या बता सकते हैं, आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि, सुनिए मेरी बात, आज तक जो कांग्रेस सरकार है यहां पर कुछ लेके आई है क्या? कांग्रेस सरकार ने नदौन शहर और नदौन की पूरी जनता 70-80 हजार नदौन विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उसके लिए कोई खास विशेष कार्य नहीं किया। बात ऐसे है कि यहाँ पर एक भाई साहब बोल रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्कू जी सेरा रेस्ट हाउस में ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। सुखविंदर सिंह सुक्कू
पर यहाँ नदौन विधानसभा में हर क्षेत्र में हर जगह गांव-गांव में हर पंचायत के बूथ स्तर पर बूथ लेवल पर कार्य करते हैं और हर जगह जाते हैं। ये जो पहले बोल रहे थे ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, नाम मेरा नाम दिनेश कुमार करंगड़ है। ठीक है जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो नदौन की जनता जो है, पहले तो इनसे हम पूछ ही लेते हैं आपसे कि आप जैसे भाई साहब खड़े हैं यहाँ पे जी, आप ये बता सकते हैं कि आसपास के क्षेत्र के लोग जो आसपास के जो घर हैं वो कहाँ पे वोट करेंगे और किस लिए करेंगे? वो अपनी तरक्की के लिए ही, अपने शहर क्षेत्र की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। जी कह रहे हैं कि इस बार जो है लोगों ने मन बना चुके हैं लगभग नदौन क्षेत्र के लोग कि वोट जो है लगभग वो बीजेपी को ही देंगे, क्या कुछ कोई और बात? इस बार ऐसा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ ने बहुत अथक कार्य किए हुए हैं, लोगों की हर प्रकार की समस्याओं को हल किया हुआ है, इसलिए नदौन की जनता इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू को भरपूर सहयोग और भारी बहुमतों से विजय। आप बता सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि वो दिखे तो सिर्फ 5 सालों में, कभी कभी कहीं सेरा, सुनिए मेरी बात, सुनिए आप, 4.5 साल तक वो सेरा रेस्ट हाउस में ही दिखे। नदौन का कोई ऐसा कार्य जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा किया गया युवाओं के लिए, अस्पताल के लिए, कोई ऐसी बात? देखिए, इस बात का सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण सारी जनता जानती है, नदौन बस स्टैंड के समीप एक बहुमंजिला बिल्डिंग बन रही है, आप वहां पर जाइए और देखिए कितना अच्छी तरह से काम चला हुआ है और इलाके की खुशहाली व तरक्की के लिए सुक्खू भाई कितने प्रतिबद्ध हैं। ठीक है जी, जी पाटी, अच्छा मैं इनकी बात काटना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं कि उन्होंने वो मंजिल का काम लगाया हुआ है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ तो 4 साल कहाँ तक सो रहे हैं वो? 4 साल में उनको याद नहीं आई कि काम लगाना था? और जो सबसे पहले हॉस्पिटल जरूरी था, पहले जो अस्पताल जरूरी था, ठीक है, धूमल साहब ने जो इसके लिए पैसे सैंक्शन करवाए थे जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो धूमल जी ने नदौन अस्पताल के बारे में सोचा, उन्होंने जो पैसे दिए उन्होंने, तो आज 5 सालों में जो 1 रुपया फुटी कोड़ी नहीं लगा पाए ना दोनों हॉस्पिटल के ऊपर, और जनता जो है आज तक इसी बात के लिए रो रही है कि हमने वोट कांग्रेस को क्यों दे दिया। 5-4 विधानसभा क्षेत्र के लोग आते हैं, जैसे जी प्रापुर विधान, अपना जसमा प्रापुर, ज्वाला जी, और कई विधानसभा क्षेत्रों के लोगों का केंद्र बिंदु, केंद्र स्थान नदौन है, वहाँ लोग कई हॉस्पिटल के लिए आते हैं, परंतु वहाँ मरीजों को कोई सहायता नहीं है, मरीजों के लिए अपने अपने इवन देन मरीजों को अपने अपने बिस्तर तक लाने पड़ते हैं, क्योंकि बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल ने दिए, उसके पश्चात कोई बड़ा काम नहीं हुआ। आप सुखविंदर सुक्खू ने कुछ नहीं किया, मेरी माँ भर के मकान गिरने वाले देव से 4 गाड़ियां चलती हैं और मेरा पानी उधर कर दिया, मैं सरे हम लड़ गया, कोई ना सुखविंदर सुक्खू ना आया, अग्निहोत्र आया, मैं वोट पार्टी अग्निहोत्र को डालूंगा। आइए जी, ठीक है जी, मैं बुजुर्गों की राय लेना चाहूंगा जी, आप बुजुर्ग दिखते हैं आप जी, आप बताइए कि बुजुर्गों के लिए सरकार द्वारा आपकी दिली क्या ऐसे किए गए, बताइए। देखो जी, वायदे तो ऐसे है, हमारे सामने तो जो कुछ डेवलपमेंट हुई है सामने है, पर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मतलब हमारे जैसे बुजुर्गों को देखा तक नहीं, पहचाना नहीं, अच्छा बाकी ये गल है, हम युवा वर्ग के साथ है, हम युवा वर्ग को देखना चाहते हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। ठीक है, देखिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी चीफ ने बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं, देखिए आप गिनती करने लगिएगा तो देखिए स्पाइस पार्क का निर्माण हो रहा है सेरा में कोल्ड स्टोरेज का, देखिए नदौन में यहाँ मझियार के लिए बस की सुविधा लगाई और यहाँ पर बिजली पानी की हर किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, और देखिए ये बिल्कुल, ये जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार हैं। देखिए सुखू भाई हर किसी के घर की एक एक समस्या नहीं हल कर सकते हैं, देखिए सुखू भाई के पास, देखिए लोगों के बीच में बहुत रोष है, ऐसा है कि लोग जो ज्यादातर जो है इस बार कांग्रेस सरकार से बहुत नाराज हैं, वो कहते हैं कि इन 5 सालों में नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसे कार्य सरकार द्वारा नहीं किया गया, तो लगभग सरकार को लोग गाली ही दे रहे हैं, तो नदौन जो है
नदौर की जनता अलग चेहरा देखना।